फ्रॉम मेघालय। हे गाइस, दिस इज़ घुमक्कड़ बंदी और मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ मेघालय। तो फ़िलहाल मैं एक छोटे से गांव में हूँ जिसका नाम है नॉनग्रियात, जहाँ से हमारी लिविंग रूट ब्रिज की ट्रैक जाती है, वहाँ पे उस गांव में हूँ। तो कल रात हमने यहाँ पे चेक इन किया, लिविंग रूट ब्रिज घूम लिया और रात हम यहीं स्टे किया। तो स्टे करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे होम स्टे बने हुए हैं। लिविंग रूट ब्रिज के आसपास 5-6 होम स्टे, बट आप जितने नियर बाय रहोगे उतना आप सुबह अर्ली उठ के थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं, दोबारा रूट ब्रिज देख सकते हैं जो कि मैं देखने वाली हूँ। और यहाँ पे एक रेनबो वाटरफॉल है, प्लस एक ऑन द वे ऑफ रेनबो वाटरफॉल एक ब्लू लगून पड़ता है, वो देख सकते हो। तो वो भी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ रुकी हुई हूँ और आप भी कहाँ रुक सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिरीन होम स्टे है, जो ये देखिए ऊपर वाला दिख रहा है ग्रीन वाला, जैसे सिरीन होम स्टे है। काफ़ी अच्छा होम स्टे, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बड़ा भी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बुक रहता है, तो आपको इसे एडवांस में बुक करना पड़ेगा। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं रुकी हुई हूँ सेंटिना होम स्टे में, तो मैं दिखाती हूँ आपको वो कैसा है। इसके अलावा यहाँ पे नॉट ऑन मैप भी है। नॉट ऑन मैप के भी 2-3 होम स्टे हैं, तो आप देख सकते हैं। ये पीछे वाला जो लकीड़ा करके है होम स्टे, वो नॉट ऑन मैप का है, तो वो आपको नॉट ऑन मैप की वेबसाइट से भी मिल जाएगा बुक करने के लिए, क्योंकि बाकी सारे जो होम स्टे हैं वो ऑनलाइन नहीं है। सिरीन होम स्टे आपको हॉलीडेइंग वाली ऐप में मिल जाएगा, मैं उसकी डिटेल दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। नॉट ऑन मैप से आप ये बुक कर सकते हैं। सेंटिना का मैं नंबर दे दूँगी, आप वहाँ रुक सकते हैं। तो आई एम स्टेइंग एट सेंटिना होम स्टे। मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो रूम्स वगैरह हैं वो कितने कोजी हैं। तो देखिए, इस तरीके से कोजी रूम्स बने हुए, छोटे छोटे केबिन्स मिल जाते हैं और इस तरीके से बेड लगे हैं। और इतनी सुंदर छोटी सी विंडो भी है जिसका नज़ारा बहुत खूबसूरत है। सो ये है केबिन और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, पर काफ़ी रीजनेबल भी है। पर हेड चार्जेस सिर्फ 300 रुपीज़ और रात के डिनर का 150 रुपीज़ था, काफ़ी रीजनेबल है। और आपको टी स्नैक्स वगैरह भी सब मिल जाएगा, तो आप बात कर सकते हैं। वॉशरूम जो है वो कॉमन मिलेगा, पर विलेज जो मतलब काफ़ी अच्छा स्टे है, काफ़ी रीजनेबल भी है प्लस कम्फर्टेबल भी है। आप एक दिन आराम से स्टे कर सकते हैं। रेनबो वाटरफॉल के लिए यही लिविंग रूट ब्रिज भी यहीं है जो कल हमने एक्सप्लोर किया था, और रेनबो वाटरफॉल का रास्ता भी यहीं से है। तो यहाँ पे एंट्री चेक इन है और उसके बाद यहाँ से लगभग 1 घंटे है रेनबो वाटरफॉल। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से जो एंट्री टिकट है वो 50 रुपीज़ है पर पर्सन पर एडल्ट। फॉरेस्ट है और बिल्कुल अभी सुबह है, इतना अच्छा लग रहा है। सबकी आवाज़ आ रही है, चिड़िया की आवाज़ आ रही है और रास्ता भी बहुत सुंदर है। और अगर आप नॉनगिरियात रात में स्टे कर रहे हैं तो रेनबो वाटरफॉल सुबह एक्सप्लोर करें, क्योंकि वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। बहुत बड़े बड़े, बहुत सारे यू नो क्लोज रखे हैं, बट बहुत सारे ओपन ही हैं इस तरीके से। यहाँ देखिए कितना डेंस है। वाटरफॉल जो रेनबो वाटरफॉल है उसके आधे रास्ते पहुँचे हैं। यहाँ से 30 मिनट्स है और रेनबो वाटरफॉल की ऑन द वे आपको एक बहुत सुंदर छोटा वाटरफॉल प्लस जिसे ब्लू लगून कहते हैं, ब्लू लगून का पॉन्ड जो आप देख रहे हैं पीछे वो मिलता है, तो आप चाहें तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप ये भी एक्सप्लोर करें पहले, अगर आपके पास टाइम का मार्जिन कम है तो आप यहाँ पर भी एक्सप्लोर करके रिटर्न हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप आगे और वॉक करके 30 मिनट पहले रेनबो वाटरफॉल कर लें और उसके बाद फिर यहाँ आके रिलैक्स कर लेते हैं। जो ब्लू लगून का वो जो पूरा पूल दिख रहा है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, तो इट्स ऑल्सो वर्थ स्पेंडिंग सम टाइम हियर। लगभग 2 घंटे लग गए यहाँ पहुँचते। हमने 7 पे शुरू किया था और 9 बज गए, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है। तो चलिए पहले रेनबो वाटरफॉल एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे ये वाला पूरा विलेज और लिविंग रूट ब्रिज कैसे एक्सप्लोर करना है सब बताती हूँ। तो चलिए लेट्स गो। हम लोग पहुँच चुके हैं रेनबो वाटरफॉल आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ट्रैक। इसमें काफ़ी कुछ था, स्टेयर्स थी, स्टीप्स थे और काफ़ी सारे रूट्स थे। काफ़ी सारा रॉ जंगल देखने को मिला, काफ़ी सारी डेंस जंगल देखने को मिला। ट्रीज भी लगे हुए हैं, जैसे कि खजूर का पेड़ है, पान के पेड़ मिलेंगे आपको और बहुत सुंदर जंगल से गुजरते हुए आप आओगे। रास्ता ट्रैक थोड़ा सा टफ है, आपको बीच बीच से लगेगा क्योंकि जब स्टेयर्स आएंगी सीधी सीधी, बट स्टिल इट्स वर्थ कमिंग। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ और जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आप जो पिछली थकान है वो सब भूल जाओगे। तो आप क्लाइम करके आओ, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम का मार्जिन है तो आप बिल्कुल क्लाइम करो और यहाँ पे और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो। यहाँ पास में एक छोटी सी देखिए दुकान दिख रही है पीछे, वहाँ से आप वाटर वगैरह बिस्किट वगैरह ले सकते हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको वाटरफॉल। गाइस आई एम बैक टू तिरना विलेज। तिरना विलेज हम लोग चल गए हैं, बस 5 मिनट बाकी है। तो मैं आपको फटाफट लिविंग रूट ब्रिज कैसे करना है उसकी कंप्लीट गाइड दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि लिविंग रूट ब्रिज करने के लिए आपको चेरापूंजी में रात को स्टे करना पड़ेगा। उसके बाद आप तिरना विलेज आ जाइए। अगर आपने गाड़ी बुक नहीं की है तो वहाँ से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, मतलब शहरी में कुछ मिल जाएगा, बट रात को स्टे में दिक्कत होगी तो हो सकता है आपको खुद की टैक्सी भी बुक करना पड़े। चेरापूंजी से लगभग ये 45 मिनट्स है, तो आप आराम से पहुँच जाओगे। अगर आप एक ही दिन में लिविंग रूट ब्रिज, सिंगल रूट ब्रिज, डबल लिविंग रूट ब्रिज और रेनबो वाटरफॉल करना चाहते हो तो एक दिन में काफ़ी मुश्किल होगा ये। अगर आप लौट के जाना चाह रहे हो तो आपको बहुत सुबह जल्दी शुरू करना पड़ेगा आपको, अगर बैक टू तिरना जाना है तो। अदरवाइज़ माई सजेशन इज़ कि आप लगभग 12 बजे के आसपास शुरू करें, थोड़ा सा चेरापूंजी की साइट सीइंग कर लें, उसके बाद 12 बजे के आसपास शुरू करें और लिविंग रूट ब्रिज पहले कर लें, फिर सिंगल डे कर बाद में भी कर सकते हैं। पहले लिविंग रूट ब्रिज कर लें और उस दिन जो गांव है जहाँ पे लिविंग रूट ब्रिज है, एक्चुअली उसका नाम है नॉनग्रियात, आप वहाँ पे स्टे कर लें। लिविंग रूट ब्रिज के आसपास ही 4-5 होम स्टे हैं, जैसे सिरीन होम स्टे है, सेंटिना होम स्टे है। उन सबके नंबर और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो बुक कर लें। वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो आप बुक कर लें और नॉनग्रियात में रात में स्टे करें आराम से। अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 आप रेनबो वाटरफॉल के लिए शुरू करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रेनबो वाटरफॉल आना जाना, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना, आपको 4 घंटे लग जाएंगे मिनिमम, और तो आप उसका मार्जिन लेके चलें। तो आप वहाँ पे आराम से रेनबो वाटरफॉल एंजॉय करें। उसमें बीच में एक ब्लू लगून भी पड़ता है, आप चाहें, आपके पास टाइम हो तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप रेनबो वाटरफॉल एक्सप्लोर करें, वो बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर रेनबो भी दिखा, प्लस पूरा ब्लू वाटर है, तितलियाँ उड़ती रहती हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। तो अगर टाइम परमिट करता है आपको तो आप रेनबो वाटरफॉल जाएँ। ट्रैक है अच्छी खासी, टाइम लगेगा आपको, और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ ऊपर नीचे ऐसा है। बीच में बहुत सारा रूट ब्रिज भी मिलेगा आपको, पूरा डेंस फॉरेस्ट मिलेगा। तो अगर टाइम परमिट करता है तो आप रेनबो वाटरफॉल करें, अदरवाइज़ आप लिविंग रूट ब्रिज तक भी जा सकते हैं। और अगर आप नॉनग्रियात में रात में स्टे करते हैं तो आप सुबह भी थोड़ा सा लिविंग रूट ब्रिज एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ऐसा प्लान करें। और फिर आप, जैसे अभी हमने शुरू किया था, लगभग 12 बजे हमने लिविंग रूट ब्रिज से शुरू किया था, तो लगभग 2:30 बज रहे हैं, 2-2.5 घंटे लग गए चढ़ते चढ़ते। जब आप यहाँ से उतरेंगे तब आप 1-1.5 घंटे में मैक्स पहुँच जाएंगे, क्योंकि पूरी ढलान है। बट जब आप बैक आएंगे तो सारी चढ़ाई है खड़ी, और आप अगर सुबह रेनबो वाटरफॉल करके आते हैं तो भी थोड़ा सा आप थक जाओगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बीच में थोड़े थोड़े से ब्रेक ले लें। लोकल यहाँ पे लेमन जूस वगैरह, फ्रेश लेमन जूस मिल रहा है, वो ले लें, हाइड्रेट हों, पाइनएप्पल खाएँ, खीरा खाएँ, थोड़ा सा रेस्ट लें। छोटी छोटी शॉप्स बनी है, लोगों से बात करें, ऐसे ऐसे करके आप चढ़ें। और आज रात में आप, अगर आपका कुछ और प्लान नहीं हो, जैसे कुछ और प्लान नहीं हो, तो आप चेरापूंजी में रात में स्टे कर लें, क्योंकि चेरापूंजी इज़ द नियरेस्ट सिटी और वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। वी आर हेडिंग टू वन ऑफबीट लोकेशन, तो उसके लिए आप मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए, आपको ऑफबीट लोकेशन पता चल जाएगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी कुछ मिस हुआ होगा मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा मेघालय की कंप्लीट गाइडलाइंस के लिए। और आपके कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड घूमते रहिए विद घुमक्कड़ बंदी।